हाय, मैं हूं निकिता शर्मा और आप लोग देख रहे हैं INN24। देखते रहिए। नमस्ते, मैं हूं अभिषेक बच्चन की वॉचिंग INN24। नमस्कार, मैं हूं पहले चौहान, स्वागत है आपका INN24 पर। कटिहार जिले के कदवा ब्लॉक के गरीब मजदूर के घर पर बिजली का खंभा टूटकर गिर गया। घटना के समय गरीब परिवार के सभी लोग घर में ही सो रहे थे। अचानक उनके टीन के घर पर बिजली का खंभा टूटकर गिर गया। गनीमत रही कि किसी को भी चोट नहीं आई, सभी बाल बाल बच गए। घटना के चार दिन बाद भी सुशासन बाबू के आला अधिकारियों ने खंभा उठाने की जहमत नहीं उठाई। अब ऐसे में गरीब परिवार आवेदन लेकर बिजली विभाग का चक्कर काट रहे हैं। अब ऐसे में सवाल यहां उठना लाजमी हो गया है कि सरकार जहां एक ओर हर घर बिजली को पहुंचाने की बात करते नहीं थकते, वही उनके ही अधिकारियों के द्वारा इस तरह के रवैये से जनता में खासी नाराजगी है। इसमें क्या बिजली का लाइन का तार था लगा हुआ? एक टूट भी गया। तो इसका जानकारी भी दिए बिजली विभाग को? दिए, पहले से भी दिया हुआ था, उस दिन भी दिया, उस दिन भी पहले भी दिया चमका हुआ था ना। हाँ। कितना बार कहा गया? फटल था, नहीं आया। डैमेज था, कितना बार कहा गया, नहीं आया देखने के। आज गिरने के बाद भी नहीं आया है? गिरने के बाद भी नहीं आया है। तो फिर ये तार उर का काम कौन करवाया? जिसको दिक्कत, जिसका तार था वो करवाया बुला के मिस्त्री के पास, लेकिन विभाग से कोई नहीं आया। विभाग से कोई नहीं आया। कहीं लिखित जानकारी दी है विभाग को? फोन उन किए हैं? बिजली विभाग को हम फोन किए थे इस कारण से कि ये पोल हटा लीजिए, तो वो बोले कि ये ठीक है, हटा लेंगे। उसके बाद गिर गया तो उसको फोन किए तो वो बोला कि ठीक है, बस उसके वही सोचना के अनुसार से आज एप्लीकेशन बना हुआ है, वो देने के लिए तैयार हुए तो वो भी नहीं, जय भी नहीं था। और वो इसको जो प्रभारी है इसके अनिल को, उसको बोले कि भाई ये पोल गिरा हुआ है, बोला अच्छा सोचेंगे हम। अच्छा, ये बताइए मुझे, जो पोल किस दिन गिरा था? ये 26 जनवरी को सुबह 6 बजे। 6 बजे उस समय लाइन था? लाइन था। कोई दुर्घटना भी हुआ? दुर्घटना यही जो और सोया हुआ आदमी था। इस घर में कितने सदस्य हैं? इसमें चार चार सदस्य हैं। और यही एक घर है? एक घर है। सब इसी घर में सोए हुए थे? अररिया के भरगामा प्रखंड क्षेत्र के दीदार बक्स उच्च विद्यालय वीरनगर में नारायण मिश्र स्मृति श्रद्धांजलि सह शिक्षा रत्न सम्मान समारोह का आयोजन अल शबाब उम्मते फाउंडेशन के द्वारा किया गया। मौके पर मौजूद अररिया जिले के जिलाधिकारी हिमांशु शर्मा, वायुसेना के ग्रुप कैप्टन सुनील मिश्रा, SSB कमांडेंट वीरेंद्र वर्मा, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अविनाश मिश्रा, अल शबाब उम्मते फाउंडेशन के फाउंडर असलम बैग, ग्राम सरपंच निजामुद्दीन मुख्य रूप से उपस्थित थे। मौके पर कई गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। सम्मानित में चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो या मीडिया का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्र के लोगों को सम्मानित करने का काम जिला पदाधिकारी अररिया के द्वारा किया गया। जिला पदाधिकारी अररिया ने कहा, स्वर्गीय नारायण मिश्र एक शिक्षाविद थे, समाज को उन्होंने एक प्रेरणा देकर गए हैं। आज उसी प्रेरणा की वजह से यहां आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहां पे देखिए, मैं छुट्टियों में आती थी सिर्फ अपने बचपन के टाइम पे, और वहां पे दादाजी मतलब छुट्टियों के टाइम पे वो भी आते थे कभी कभी, और उन्होंने काफी ज्यादा चीजें सिखाई। तो पर यहाँ पे आने की आदत है तो लोगों से भी काफ़ी मिलती थी, काफ़ी ज़्यादा बात बात होती थी, तो रियलाइज़ हुआ था कि मेडिकल फैसिलिटी तो यहाँ पे काफ़ी वीक है, उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो हर मंथ तो पॉसिबल नहीं होगा, पर एटलीस्ट एवरी 6 मंथ्स या फिर एवरी ईयर यहाँ पे आके कुछ करने का है मेरा, कि एक कैंप। तो यहाँ के लोग ये उम्मीद कर लें कि आप जब डॉक्टर बन के आए तो यहाँ के लोगों को कुछ उनका बेनिफिट मिल पाए? हाँ, वो बेनिफिट देने के लिए मैं रेडी हूँ, पर वो फिर अवेल भी करने आए। स्मृति में शिक्षा रत्न सम्मान समारोह है और श्रद्धांजलि अर्पित है। हम आपके माध्यम से ये मांग करते हैं कि ऐसे विभूति को भारत के जो अवार्ड है पद्म भूषण अवार्ड की हम मांग सरकार से, आज डीएम से साहब आ रहे हैं, हम उनसे ये मांग करेंगे कि यहाँ की जो शैक्षणिक व्यवस्था है उनका सुधार किया जाए, साथ ही ऐसे हस्ती के नाम पद्म भूषण सम्मान से इन्हें सम्मानित किया।
डोमचार्ज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बुधवार की संध्या लगभग 5 बजे एक ऑटो से भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक पदार्थ चेकिंग के दौरान पकड़ा। मामले में पुलिस ने ऑटो चालक सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए चालक व एक अन्य युवक सुग्गी मेहता व गोविंद मेहता की पहचान डोमचार्ज थाना निवासी के रूप में की गई है। बरामद किए गए विस्फोटक में 1800 पीस पावर जेल व 2000 डेटोनेटर शामिल हैं। पकड़े गए लोगों से पूछताछ के दौरान अवैध खदानों में आपूर्ति किए जाने की बात सामने आई। हालांकि ऑटो में जिस तरीके से विस्फोटक लोड कर ले जाया जा रहा था, इसमें जरा सी चूक होने पर बड़ी घटना घट सकती थी। इस अभियान में शामिल डोमचार्ज थाना प्रभारी विनोद कुमार सहित सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। ये पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक टेम्पो से लोग कुछ एक्सप्लोसिव ले जाया जा रहा था। तो जब वो थाना प्रभारी द्वारा सत्यापन किया गया इस सूचना को, तो सत्यापन के आधार पर टेम्पो को पकड़ा गया। तो उसमें एक्सप्लोसिव जो है बोरिंग बंद करके गाड़ी में रखा हुआ है। अभी एक्सप्लोसिव का हम लोग जब्ती सूची और ये गिनती वगैरह करेंगे कि कितना है। और ये एक्सप्लोसिव जो है पूछताछ के क्रम में जो ड्राइवर से पूछताछ किया गया तो बताया कि चंचाल जो पहाड़ी है डोमचार्ज क्षेत्र है, वहाँ से शिव नारायण मेहता से मान लिया था, जो इंदरवा ड्रैगन पंडित के पास माल को ले जा रहा था। आगे इसमें पूछताछ और जारी रहेगा ताकि ये भी पता चले कहीं माली लोग गलत तरीके से कहीं नक्सली या सामाजिक तरीके से तो नहीं पहुँचाते हैं। पूछताछ करके कार्रवाई करेंगे। और इसमें अभी पूछताछ में जो बात आई है उसमें लगभग 2000 डेटोनेटर की बात बोल रहे हैं और पावर जेल है उसमें, लेकिन गिनती के बाद ही पता चलेगा कि इसमें कितना है। नक्सलियों का एक दिवसीय भारत बंद के ऐलान से बेरमो के कथारा स्थित तमाम बैंक व एटीएम सहित अन्य प्रतिष्ठान बंद रहे, जिसका असर बेरमो के तमाम क्षेत्रों में मिला जुला देखने को मिला। बैंक के बंद होने से बैंक के खाताधारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। खाताधारियों को बैंक पहुंचने पर बैंक के मुख्य द्वार बंद मिले, जिसमें नोटिस चिपकाया देखा गया। जिस नोटिस में स्पष्ट अक्षरों में MCC के भारत बंद की वजह से बैंक बंद बताया गया। जंगल की रक्षा करने वाली जमुना टुडू को भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा किए जाने के बाद लोगों ने जमुना टुडू को बधाई दी। वहीं जमशेदपुर वन विभाग कार्यालय में वन प्रमंडल पदाधिकारी डॉक्टर अभिषेक कुमार ने जमुना टुडू को बुके देकर सम्मानित किया। वहीं वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बताया कि हम लोग काफी गर्व महसूस कर रहे हैं और इसी तरह पर्यावरण की रक्षा भी होगी। हम लोग जमुना टुडू को ब्रांड एम्बेसडर की तरह यूज करके लोगों के बीच जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि पर्यावरण संरक्षण करके लोग कितना आगे बढ़ सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं जमुना टुडू के साथ और आगे बढ़ें जमुना। मैंने कभी नहीं सोचे थे जो मुझे पद्मश्री अवार्ड मिलेगा बोल के, और मैं बहुत खुश हूँ भारत सरकार ने मुझे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी और भारत सरकार ने मेरा काम को बहुत सराहना किए हैं। और जैसे कि मैं जंगल सुरक्षा करने के लिए काम करती हूँ, आज भी करेंगे, कल भी करेंगे और आगे के लिए भी मैं करते रहूँ। सर, मैं DFO और साहब को भी हम धन्यवाद देना चाहूँगी जो उन्होंने मुझे पर्यावरण के लिए, वन सुरक्षा समिति के लिए मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना। काफ़ी अच्छा अवसर था, हम लोग को गर्व है वन विभाग की तरफ से कि हमारे एक प्रतिनिधि जो वन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष से जिनकी शुरुआत हुई और आज इस मुकाम पे पहुंची है, इससे वन एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता और लोगों में उसका संरक्षण हेतु उत्साह बढ़ेगा। भविष्य में हम लोग इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर की तरह यूज करके लोगों के बीच कम्युनिकेट करेंगे, लोगों को बताएंगे कि पर्यावरण संरक्षण करके भी
आदमी कितना आगे बढ़ सकता है, और इससे सभी का भलाई है। मेरी यही इनके प्रति मेरी शुभकामना है कि ये और आगे बढ़े और अच्छा करें। कैमूर में गिरफ्तार आरोपी के कोर्ट में पेशी के दौरान तबीयत खराब हुई और उसे बनारस रेफर किया गया। मामला चांद थाना क्षेत्र का है। मारपीट में एक आरोपी को पुलिस ने 30 जनवरी को गिरफ्तार किया, फिर इलाज के लिए भभुआ सदर अस्पताल लाया। इलाज के बाद कोर्ट में पेशी के दौरान तबीयत खराब हुई, आरोपी को पैरालिसिस हो गया। आरोपी को डॉक्टर की सलाह पर बनारस ट्रामा सेंटर भेजा गया। वही परिजनों ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई की बात कही, साथ ही सदर अस्पताल में जमकर हंगामा भी किया। उठा कर गए इनके साथ में, वहाँ पे अचानक पैरालिसिस मार दिया, अटैक हो गया, सामने है सर, इनसे भी गवाही ले लीजिए। वो चले गए, रेफर हो गए सर, हालत बहुत खराब है, पीसीजी हुआ सर, शुगर हुआ, सब बेकार, पहले से सर 8 साल से शुगर के पेशेंट है, 4 साल पहले से किडनी पेशेंट है। तो मेरे घर के लोग गए, बोले कि यहाँ ये नाली बंद कर दोगे तो पानी कैसे गाँव का जाएगा। बस वही कहने पे मेरे बड़े पापा के लड़के को मारा पीटा गया, वो घर जाके घर पे बताए, लोग समझौता करने के लिए आए, ऑलरेडी लोग बहुत मार दिया, और मार के आपस में ही अपना सिर फोड़ के हम लोग के ऊपर झूठा इंजुरी केस बनाया, और वो इंजुरी केस बना के थाने वाले ने पैसा लिया, और पैसा लेकर सर सीधे उनको ट्रामा सेंटर भेजा गया सर, और वहाँ से रिपोर्ट भी नहीं आया, कुछ हुआ भी नहीं। कल मेरे घर शादी था और लोग रात के 11:30 बजे अरेस्ट करके अजय पासवान में पैसा लेकर के उनके साथ जबरदस्ती किया, और बोला गया कि इनका तबीयत खराब है। चांद थाने वाले लोग बोले, चांद थाने वाले बोले कि नहीं, इनको नहीं कुछ होना चाहिए, जबरदस्ती किया गया। खान आवंटन में लॉटरी सिस्टम को पुनः चालू करने व खातेधारी भूमि में किस्म की अनिवार्यता समाप्त कर छोटे खनन पट्टे जारी करने की मांग को लेकर शिवसेना तहसील इकाई ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी को सौंपा। शिवसेना तहसील प्रमुख रामफूल धाकड़ ने बताया कि वर्ष 2010 तक खान आवंटन लॉटरी सिस्टम से होता था, लेकिन वर्ष 2017 में सरकार द्वारा पॉलिसी में बदलाव कर 100% आवंटन ऑनलाइन ऑप्शन से कर दिए जाने से खनन व्यवसाय आम आदमी के हाथ से निकलकर पूंजीपतियों के कब्जे में आ गया। ब्रिटेन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए INN24 पर। नमस्कार। Please keep watching INN 24.